सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओटीटी वाला। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मच अवेटेड साउथ इंडियन मूवी थंगलन के ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। ये मूवी अब आपको कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कब तक देखने को मिल जाएगी, क्या इसकी रिलीजिंग डेट रहने वाली है, सब बताएंगे इस वीडियो में। और इस मूवी को अब पोस्टपोन क्यों किया गया है ओटीटी के लिए, ये भी हमारे पास अपडेट निकल के आ चुकी है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिल इंडस्ट्री की न्यू एक्शन एडवेंचर पीरियड ड्रामा मूवी थंगलन, जिसको इसी साल 15 अगस्त को पहले साउथ इंडियन लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और उसके बाद इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में 6 सितंबर को, यानी कि इसी महीने 6 सितंबर को हिंदी ऑडियंस के लिए नॉर्थ इंडिया में रिलीज किया गया था। नो डाउट मूवी को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां पे इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। 100 करोड़ में बनी इस मूवी ने अब बॉक्स ऑफिस पे भी 110 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और आने वाले दिनों पे इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर की तरफ से इस मूवी की ऑलरेडी रिलीज को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस मूवी को पहले नेटफ्लिक्स के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी महीने 20 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो, थंगलन के प्रोड्यूसर के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट बताई जा रही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है नेटफ्लिक्स के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के साथ कि हमारी मूवी की ऑलरेडी रिलीजिंग को थोड़ा सा डिले किया जाए, क्योंकि लास्ट 1 वीक से इस मूवी को थिएटर्स में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां पे बाकी मूवीज की स्क्रीन्स कम हो जाती है, इस मूवी का उल्टा ही हुआ है, क्योंकि इस मूवी की स्क्रीन्स थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप प्रोड्यूसर बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स वालों को इस मूवी को थोड़ा सा और डिले किया जाए ओटीटी के लिए, ताकि इस मूवी को ऑडियंस थिएटर्स में एंजॉय कर सके। तो यही एक कारण है कि इस मूवी को 20 सितंबर को अब आप नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं देख सकते, लेकिन आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी ज्यादा डिले नहीं हुई है। इस मूवी को आप एक हफ्ते के बाद यानी कि 27 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेज में देख सकते हो। यहाँ पे ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगी, ये तो 100% कंफर्म कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ही तरफ से, लेकिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने अभी तक इसकी रिलीजिंग डेट नहीं अनाउंस की है। तो अभी एक हफ्ते के बाद यानी कि 27 सितंबर को ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अगर ये मूवी आपको 27 सितंबर को भी देखने को नहीं मिली, जो कि बहुत ही कम चांसेस है, तो ये मूवी आपको फिर 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। इन दो डेट में ये मूवी आपको 100% देखने को मिल जाएगी, जहां पे 99% चांस है कि ये मूवी आपको 27 सितंबर को ही देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर कोई 1% का यहां पे डाउट रहा, तो ये मूवी आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, लेकिन 100% इन दोनों डेट्स को देखने को मिलने ही वाली है। अब इस मूवी को ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने इसके पहले ही ओटीटी राइट्स खरीद लिए थे जब इस मूवी ने थिएटर्स में रिलीज होना था। उससे 4-5 महीने पहले ही नेटफ्लिक्स ने डेट अनाउंस कर दी थी कि ये मूवी आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज करनी पड़ेगी। लेकिन इस मूवी को जैसे कि आपको सभी को पता है हिंदी लैंग्वेज में बाद में रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसकी वजह से अब प्रोड्यूसर थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स वालों से कि इसको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, क्योंकि अभी 6 सितंबर को ही ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज के साथ, इसी वजह से अब इसको 1 या 2 हफ्ते दिए जाएंगे और एक्स्ट्रा, लेकिन यहां पे 27 सितंबर को ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, ये हमारे पास रिपोर्ट निकल के आई है। 100% ये मूवी आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिलने वाली है। तो यही थी थंगलन मूवी की ओटीटी रिलीजिंग की अपडेट, जो कि आपको आने वाले दिनों पे नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू ओटीटी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।